क्या बात है काजल, चेहरे का रंग क्यों उतर गया? कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि अब जो सुनोगी उससे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन भी खिसक जाएगी। याद है तुम्हें मैंने कल अपने पति के यादों की कहानी सुनाई थी? वो दरअसल सिर्फ एक कहानी ही थी। तुम्हें क्या लगता है काजल, मसीहा बनकर अपनी जान जोखिम में डालकर तुमने खुद अकेले रौनक के पापा को बचाकर तुम उन्हें घर लेकर आई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा हर कदम रचा हुआ था। तुमने वही किया जो मैं चाहती थी। दीदी, काजल को अगर जीजाजी के बारे में पता चल गया तो? तो क्या हरीश, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं खुद ही काजल को सच तक पहुंचाऊंगी। मतलब मैं खुद काजल को उस कमरे में भेजूंगी, फिर काजल और रौनक को अपनी उदास झूठी कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद काजल रणधीर को ढूंढने जरूर जाएगी, पर रणधीर उसे वही मिलेगा जहां हम जानते हैं। हैं? उस आदमी को ढूंढने के बाद काजल उसे घर तक तो जरूर लेकर आएगी। उस दिन काजल का इस घर में आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं जानती हूं रौनक उस आदमी को मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस हरकत के लिए काजल से जिंदगी भर नफरत करेगा। अरे दीदी, क्या दिमाग पाया आपने, कहां से लाती है ये आइडिया? पर दीदी, ये काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें किसी की मदद की जरूरत होगी। इसकी चिंता तुम मत करो। क्या हुआ, कहानी अब खत्म नहीं हुई है? इस खेल में मैं अकेली नहीं थी काजल, तुम मेरा साथ दोगी ना विधि? आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। अब तो काजल भी मुझ पर पूरा भरोसा करने लगी है, तो मुझे मेरी बात मनवाने में मुश्किल नहीं होगी। काजल, तुम्हारे और रौनक के रिश्ते की चिंता थी मुझे, लेकिन क्या करूं, यहां बात मेरे पति की थी इसलिए मैंने जानकी दीदी की मदद की। मैं और मुन्मुन तो हमेशा ही चालू के साथ होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ही हम इन सब के हिस्से थे। तुम्हें क्या लगा काजल कि तुम मेरे बेचारे से दिमाग से बीमार पति को रौनक के सामने लेकर आओगी और रौनक सब कुछ भूल के उस आदमी को माफ कर देगा? नहीं काजल, तुम्हें वही मिला जो मैं चाहती थी, रौनक की नफरत। कमी रह गई थी, बाकी सारी इच्छा तो रौनक ने पूरी कर ही दी थी ना। इस घिनौने खेल में
सबके सब मिले हुए। फरमा जी आप, शर्म नहीं आती आपको ये सब कुछ करते हुए? अरे और कितना गिरेंगी आप? ज़बान संभाल के बात कर काजल। इसे गिरना नहीं कहते काजल, तुम्हें उस आदमी तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन तुम्हें अपने घर से बाहर निकालने के लिए मैंने ये खतरा भी मोल दिया। वो रौनक सर के पिता है, आपके पति है, फिर भी और मामा जी आप खुद तो कभी कुछ सोचते समझते हैं नहीं, बस अंधों की तरह अपनी बहन की बात मानते जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि उसका नतीजा क्या होगा। चाची जी आप, आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, मुझे जो दुश्मन दोस्त के रूप में दोबारा वापस आए उस पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। एक बात जरूर याद रखिए, जिन लोगों पर आप ये सबसे ज्यादा भरोसा कर रही हैं एक दिन उनसे ही सबसे ज्यादा धोखा भी खाएंगे। हो गया तुम्हारा भाषण, अब तुम मेरे घर से जा सकती हो काजल। जानकी बेचारे ने क्या सोचा था और क्या हो गया? जो इंसान अपने औकात से ज्यादा उठता है ना कामिनी, वो अक्सर ऐसे ही अपने मुंह के बल जमीन पर गिरता है। ये इस घर में एक सदस्य को जोड़ना चाहती थी, पर देखो ना, खुद ही मेरे घर से बाहर निकल गई। जानकी ये तो चली जाएगी, लेकिन इसके बच्ची का क्या होगा? वो भी बहुत जल्द इंदौर चली जाएगी कामिनी। इस वक्त रौनक उसे जाने नहीं देगा और मैं साक्षी को यहाँ रहने नहीं दूंगी। रौनक को बहुत जल्द मना लूंगी। बाहर का रास्ता उस तरफ निकल जाओ और कभी पलट कर मेरे घर की ओर देखना भी मत। आप कहां चली गई थी? मैं काजल को रोकने गई थी बेटा। वो यहां से जिस तरह से गई है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इस घर की बहू है रौनक, जा बेटा काजल को रोक ले और वापस घर लेके आ। नहीं माँ, आज काजल ने जो कुछ भी किया उसके बाद मैं उसे नहीं रोकूंगा। गुस्से में कोई भी लिया हुआ फैसला गलत होता है रौनक। काजल इस घर की बहू है रौनक, उसे इस घर में रहने का हक है। जा रौनक, काजल को समझा और वापस घर लेके आ। जानकी, रौनक को कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो देख। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। आपने ही कहा था कि आप चाहती हैं कि पापा जी आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आप आज भी उनका इंतजार कर रही, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। रौनक सर, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, प्लीज ट्रस्ट मी। माँ जी उस दिन इतनी तकलीफ में थी, इतने दर्द में थी, मुझसे उनकी तकलीफ नहीं देखी गई। और मुझे तो लगा माँ जी की खुशी के लिए आप पापा जी को अपना लेंगे, उनकी हर गलती को माफ कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है काजल, मैं उस आदमी को इतनी आसानी से अपना लूंगा जिसने मेरी माँ के साथ इतना बुरा किया, और इतने सालों बाद जब वो वापस आया तो आज भी उसने नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो आदमी इतना बुरा है। वो तो माँ जी उस दिन इतना ज्यादा रो रही थी, इतनी तकलीफ में थी, इतनी दुखी थी कि मुझसे उनका दर्द नहीं देखा गया। पर आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे गलती तो भगवान भी माफ कर देते, प्लीज अपनी बहू की नादानी समझकर उसे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करूंगी। अच्छा अगर आप माफ करेंगी ना तो रौनक सर भी मुझे माफ कर देंगे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। काजल बेटा उठो, ठीक है बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया। थैंक यू सो मच बाजी, आपने मुझे माफ कर दिया, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन काजल, तू रौनक के पापा को छोड़ के कहाँ आई है? वही जहाँ के वो लायक है। मतलब? मैं उन्हें सड़क पर छोड़कर आती। सड़क पर? यहाँ से तुम लेकर आई वही वापस छोड़ देती? अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो हो जाने दीजिए ना सर, क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने इतने पाप किए हैं तो सजा तो मिलनी चाहिए ना, और अब मुझे लगता है कि हमें उन्हें भूल करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। रौनक सर कहाँ जा रहे हैं आप, प्लीज उन्हें मत लेकर आइएगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो ये सब। ऐसे किसी को परेशान नहीं करते, छोड़ो छोड़ो इनको, छोड़ो जाओ। आप ठीक है? अरे रौनक, ये तो तुम्हारे पिता है ना, इनकी ये हालत कैसे हो गई? तो देखो ना कैसे हो गए। आप चलिए यहाँ से। नहीं, मैं अजनबी के साथ नहीं जाऊंगा। आप चलिए यहाँ से, बेकार में तमाशा मत कीजिए। मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ रौनक। अब चलिए मेरे साथ। आप इन्हें वापस क्यों ले आए? आपको पता है ना अगर ये इस घर में रहेंगे तो क्या होगा? प्लीज ऑनेस्ट, आप इन्हें जाकर वहीं छोड़ दीजिए जहां से इन्हें लेकर आए।
वही सबके लिए बेहतर होगा। काजल तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इन्हें घर में मैं नहीं तुम लेके आई, इसलिए इनकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम ही इनका ख्याल रखोगे। और इनकी हर हरकत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। कैसी लगी माँ जी मेरी एक्टिंग? ऐसे क्या देख रही है? आपसे ही तो सीखी है कि उंगली टेढ़ी करके घी कैसे निकालते हैं। माँ जी अब आप देखिएगा मैं इन्हें कैसे ठीक करती हूँ और इस घर के सारी राज सारी सच्चाई सबके सामने कैसे लेकर आती हूं। धमकी नहीं दे रही हूं, ये मेरा वादा है आपसे। हाथी घोड़ा पालकी बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।